दीदी आपका भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आपके मेमोरी कार्ड से, पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, या फिर कोई भी ऐसे स्टोरेज डिवाइस से डिलीट हो गया है, आप उसको रिकवर करना चाहते हो, वापस से इंपॉर्टेंट डेटा को वापस लेके आना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का रिव्यू किया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैं कैसे डेटा को रिकवर कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक पेन ड्राइव में सारा का सारा डेटा को कॉपी किया और एक्सीडेंटली मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्या होता है गाइस, कभी कभी हमारा डेटा भी डिलीट हो जाता है कुछ इस तरीके से, चाहे हमारे लैपटॉप के डेस्कटॉप फोल्डर से डिलीट हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसे फोल्डर से डिलीट हो गया हो, मेमोरी कार्ड से, पेन ड्राइव से, कहीं से भी डिलीट हो गया हो, आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में फिर से रिव्यू करने वाला हूँ TanoShare 4D DIG डेटा रिकवरी टूल का, और यहाँ पर मैं आपको फ्री में आपका डेटा रिकवर करके दिखाऊंगा कुछ लिमिट तक। यदि आपका डेटा ज़्यादा होगा तो आपको इसका पेड टूल भी परचेज करना पड़ सकता है। तो गाइस यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना देरी के। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको TanoShare की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है और आप देख सकते हैं कि TanoShare 4DDIG जो टूल है ये बेसिकली विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका 100% आपका डेटा रिकवर करके ला के देगा, आपके SD कार्ड, मेमोरी कार्ड किसी भी एंड पे डिलीट हो गया हो। और यहाँ पे फाइल की कोई लिमिट नहीं है, आपको 1000 प्लस फाइल्स टाइप्स आपके सपोर्ट करता है। किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है आपका डेटा तो आपको फ्री में यहाँ पर रिकवर करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। यदि आपको डेटा आपको रिकवर करना है, 100 MB तक का फ्री में डेटा रिकवर कर सकते हो, इस टूल को देख सकते हो कि भाई ये टूल कैसे वर्क करता है, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ट्विटर पे शेयर करना पड़ेगा, अपने सोशल हैंडल पे शेयर करना पड़ेगा, और आप यदि लकी हुए तो आपको फ्री में आपको डेटा रिकवर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिलीटेड फाइल, रिसाइकल बिन, फॉर्मेट रिकवरी, सभी तरीके की रिकवरी यहाँ पर अभी आपको मिलने वाली है। किसी भी एंड से डिलीट हो जाता है आपको पूरा डेटा आपका मिल के देगा। कोई भी आपका स्टोरेज डिवाइस हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। स्कैन करना, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपनी फाइनल स्टेप पे, कैसे मैं यहाँ पे डेटा को रिकवर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रबल शूटिंग बताऊँगा, कुछ स्टेप्स बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डाउनलोड होगा और यहाँ पर एक ऐसी आपको EXE मिल जाएगी, उसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर आप इसका UI देखेंगे तो इतना अट्रैक्टिव UI है, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन का UI है। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास एक फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर, और आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स है, ठीक है। ये फाइल्स बेसिकली मेरी कुछ इमेज फॉर्मेट की है, कुछ यहाँ पर वीडियो फाइल भी है, कुछ टेक्स्ट फाइल भी है, कुछ मेरे यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट भी है, कुछ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट्स हैं। तो एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखाऊंगा आपको एज एन एग्जांपल। यहाँ पर सारा का सारा डेटा मैं अपनी पेन ड्राइव में डालूंगा और उसके बाद अपनी पेन ड्राइव से वापस से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और फिर से इसको रिकवर करके आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंटली हमारा भी डेटा ऐसे डिलीट हो जाता है, चाहे हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप से हो गया हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी भी ड्राइव से हो गया हो। तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव अपनी लगा दी है और यहाँ पर मैंने सारा का सारा अपना डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे जो भी मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर होगा टेस्ट वाला, उससे डिलीट कर दूंगा, रिसाइकल बिन से डिलीट कर दूंगा, और जो भी मेरी पेन ड्राइव में डेटा मैंने अभी कॉपी किया है उसके अंदर भी जाके यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव के अंदर डेटा आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी फाइल्स जो मेरे डेस्कटॉप पे थी वो यहाँ पर मैंने अपने कॉपी पेस्ट कर दी और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया। मतलब अभी मेरे रिसाइकल बिन में भी डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिससे भी आपको कोई दिक्कत ना हो आप अच्छे से समझ जाओ कि भाई मैं यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ, रिसाइकल बिन में नहीं है। अब इसको UI को मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल UI है, आपको जो भी आपकी डेस्टिनेशन से, जो भी लोकेशन से आपका डेटा डिलीट हुआ हो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव है तो मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस भी लोकेशन से, सी ड्राइव से हुआ है तो सी ड्राइव को सेलेक्ट करना, डी ड्राइव से उठिए। तो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव से हुआ तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक फोल्डर को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो टेस्ट के नाम से फोल्डर था, जो फाइल आपकी फॉर्मेट की है उस फाइल पर टिक कर देना। यहाँ पर मेरी तीन फाइल्स फॉर्मेट की है, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसको स्कैन करता हूँ। जैसे ही मैं स्कैन करता हूँ गाइज, आप देखना कि यहाँ पर मेरा सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखो गाइज, सारा का सारा मेरा यहाँ पर डेटा यहाँ पर दिख गया है, यानी मेरे को व्यू होने वाला है। अब मैं एक एक करके अपना डेटा को चेक करता हूँ कि क्या मेरा वही डेटा है क्या। तो यहाँ पर मैंने प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मुझको मेरा डेटा प्रीव्यू होने स्टार्ट हो गया है।
अब यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को भी ओपन करके देख लेता हूँ। पहले वीडियो को ओपन करके देखता हूँ क्या मेरी वीडियो भी यहाँ पर प्रीव्यू में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं गाइस वीडियो भी मेरी प्रीव्यू में आ रही है, दैट मीन्स मेरी वीडियो भी रिकवर होने वाली है। और यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेल फॉर्मेट को ओपन करके देखता हूँ कि क्या ओपन हो रहा है। कि देखिए गाइस एक्सेल फॉर्मेट भी मेरे यहाँ पर ओपन हो गया, दैट मीन्स मेरी फाइल यहाँ पर ईजिली रिकवर हो जाएगी। मैंने सारी फाइल्स को टिक कर लिया एंड देन मैंने रिकवर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, रिकवर ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके रिकवर कर दिया। अब जिस लोकेशन पे ये रिकवर हुआ है मैं चलता हूँ उस लोकेशन पे और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं सारी की सारी फाइल्स मेरी आ चुकी है और ये सारी की सारी फाइल्स अभी आपको विजिबल लग रही होगी, पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस देख लीजिए मेरी सारी फाइल्स ओपन हो रही है, जिस स्टेट में डिलीट हुई थी उसी स्टेज में वापस आ गई है, मतलब मेरा सारा का सारा डेटा रिकवर हो गया है। गाइज यहाँ पर मैं वीडियो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो मैंने पहले यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट ओपन किया, अब यहाँ पर अपनी वीडियो ये वाली जो वीडियो थी एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे मेरी आ गई है। वीडियो भी आप देख सकते हैं नीचे, वीडियो मेरी प्रीव्यू में भी मेरी वीडियो ओपन हो गई थी। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप अपना सारा का सारा डेटा रिकवर कर सकते हो। गाइज यदि आपका डेटा 100 MB तक है तो आप फ्री में डेटा रिकवर कर सकते हो यदि आप लकी विनर हुए तो, और यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना है। कैसे खरीदना है, आपको अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ लाइसेंस की कॉस्ट है यहाँ पर, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका 1 मंथ का लाइसेंस परचेज कर सकते हो, 1 ईयर का कर सकते हो और लाइफ टाइम का कर सकते हो। इसके कुछ कमर्शियल्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छे कमर्शियल्स हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक सॉफ्टवेयर के साथ दूसरा सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि भाई आपको कौन सा लेना है। आपको 4DDIG फाइल रिकवरी लेनी है या फिर डुप्लीकेट फाइल डिलीटर लेना है, जो भी आपको चाहिए आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो और यहाँ पर अपना वो पैक सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको मनी बैक की यहाँ पे गारंटी मिल रही है, 100% आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 24/7। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग आपको सपोर्ट देंगे और सबसे बेस्ट बात है कि जो भी अपग्रेड इस सॉफ्टवेयर के अंदर आता रहेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। मतलब यदि कोई इससे एडवांस लेवल का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर मिलता है तो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे पैच अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। गाइज ये स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है बट ये गाइज लाइफ सेवर है आपकी। यदि आप कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपके किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट हो गया है, क्योंकि डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, पैसे तो देखो कहीं ना कहीं से कमाई लेंगे बट यदि डेटा डिलीट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट यादें आपकी डिलीट हो गई तो वो कभी नहीं मिल पाएंगी, तो सॉफ्टवेयर का एक बार यूज़ करके देखना। और सबसे बेस्ट बात बताता हूँ आपको कि भाई यदि आपका डेटा डिलीट हो गया है किसी भी रीज़न से, आप सॉफ्टवेयर को परचेज भी नहीं करना चाहते तो प्रीव्यू करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा रिकवर कंडीशन में है या नहीं। यदि लगता है कि भाई आपकी फ़ोटो जो इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं आपकी फाइल्स हैं यदि रिकवर स्टेज में है तो आप उसको इमीडिएटली परचेज करके भी रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप गाइज आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।